वेलकम बैक एम आर के जब महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 13A का। तो पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज 4 क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 27 तक आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि कॉसेक प्लस कॉट बाय कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू कॉसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर, ये लाना है। तो पहले हम एलएचएस को लिखे, और एलएचएस को लिखने के बाद देखिए यहाँ कॉसेक प्लस कॉट है, तो हम क्या किए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब मल्टीप्लाई कर दिए कॉसेक प्लस कॉट से, तो कॉसेक प्लस कॉट दो बार हो गया ऊपर में, इसलिए हमने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। नीचे में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया, यानी ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए हमने इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, न्यूमिनेटर में क्या बच गया कॉसेक प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 है, तो क्या बन गया ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आरएचएस में दिया गया है। ये सिंपली इस तरह से आप बस कॉसेक प्लस कॉट से इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 सेम क्वेश्चन है, यहाँ कॉसेक कॉट के टर्म था, अब यहाँ सेक प्लस 10 बाय सेक माइनस 10 इज इक्वल टू सेक प्लस 10 का होल स्क्वायर लाना है। फिर हमने एलएचएस को लिखा है सेक थीटा प्लस 10 थीटा बाय सेक थीटा माइनस 10 थीटा, इसको हमने सेक थीटा प्लस 10 थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए, ये सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर हो गया। नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता, तो फिर डिनोमिनेटर 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमिनेटर में क्या बच गया सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आरएचएस में दिया हुआ है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों सेम क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26, और ये क्वेश्चन नंबर 26 इस बार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आएगा इस बार, इसलिए आप इसको अच्छे से समझो। 1 प्लस कॉस प्लस साइन बाय 1 प्लस कॉस माइनस साइन, ये क्वेश्चन है। इस तरह के कई क्वेश्चन पुराने बुक में भी दिए हुए हैं, इवन एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं। तो एक चीज समझ में नहीं आता कि कहीं इसमें जब तीन एक्सप्रेशन रहता है तो किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करता है, कहीं कॉस से डिवाइड करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां बन रहा है कि हम ये कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन में साइन से डिवाइड करना है कि कॉस से डिवाइड करना है। तो आप देखिए नीचे में क्या है, यहाँ कॉस, आप समझ जाएंगे कि कॉस से डिवाइड, अगर नीचे साइन रहता ऊपर कॉस रहता तो साइन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम पहले एलएचएस को लिख लेंगे, हम एलएचएस उतार रहे नहीं है, हम बस उसके अगले स्टेप से शुरू किए हैं। एलएचएस उतारने के बाद आप लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, कि हम इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। कॉस से क्यों करेंगे, समझ में आ गया, तो क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए पहले आप न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 बाय कॉस प्लस कॉस बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस बाय फिर 1 बाय कॉस प्लस कॉस बाय कॉस माइनस साइन बाय कॉस, हो गया। ये लिखने के बाद ये 1 बाय कॉस क्या हो गया सेक, साइन बाय कॉस क्या हो गया 10, कॉस कॉस कैंसिल होके क्या प्लस 1 आ गया, यानी ये क्वेश्चन बन गया सेक प्लस 10 प्लस 1। नीचे में भी 1 बाय कॉस है, इसको सेक लिख सकते हैं, कॉस कॉस कैंसिल होके 1 आ गया, माइनस साइन बाय कॉस है जो कि 10 होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में। तो देखें इसी का पीछे से क्वेश्चन लाया है बना के। अभी आ गया सेक प्लस 10 प्लस 1 बाय सेक प्लस 1 माइनस 10। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि जब ये काम हम कर लेंगे तो ये काम करने के बाद हम डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में जो 1 है उस 1 को स्प्लिट कर देना है।
क्योंकि sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है वन, यहां जो वन है इस वन के जगह पर हमने sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख देंगे। फिर आपके मन में आता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो वन होता है, वो क्यों नहीं लिखे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन होता है, वो क्यों नहीं लिखे। वन तो बहुत आइडेंटिटी है, फिर सेक और टेन के टर्म में ही क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर सेक प्लस टेन है। यहाँ अगर कॉसेक प्लस कॉट होता सपोज तो हम लिखते कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बट यहाँ सेक प्लस टेन है इसीलिए हम इसको sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन के जगह पर वो भी सिर्फ न्यूमरेटर में लिख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया गया। अभी sec प्लस टेन, अभी जो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, sec प्लस टेन इंटू sec माइनस टेन। डिनोमिनेटर ऐसे ही है sec प्लस वन माइनस टेन, न्यूमरेटर में sec प्लस टेन यहाँ भी है sec प्लस टेन यहाँ भी है, तो sec प्लस टेन क्या हो गया, हम कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद sec प्लस टेन से sec प्लस टेन को डिवाइड किया वन प्लस, ये प्लस कॉमन ही लिए थे, क्या बच गया sec माइनस टेन। तो एक sec प्लस टेन इंटू वन प्लस sec माइनस टेन ये न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर क्या है sec प्लस वन माइनस टेन। तो अब आप इसको और इसको मिलाइएगा, देखिए वन पॉजिटिव है sec पॉजिटिव है टेन नेगेटिव है, यानी ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद क्या बच गया sec प्लस टेन। अब अगर sec प्लस टेन बच गया तो sec को हम वन बाय cos तो लिख सकते हैं, और टेन क्या होता है sin बाय cos, यानी अब आपका एक्सप्रेशन हो गया वन बाय cos प्लस sin बाय cos। फिर हम इसका एलसीएम ले लिए, cos हो गया ये वन प्लस साइन थीटा हो गया, यही क्या आरएचएस में दिया है वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इस तरह से आरएचएस के एक्सप्रेशन आ गए और ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 है कि साइन प्लस वन माइनस कॉस बाय कॉस माइनस वन प्लस साइन इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अभी जब क्वेश्चन नंबर 26 बना है सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिये कॉस थीटा है, हम एलएचएस को कॉपी कर लिए साइन प्लस वन माइनस कॉस बाय कॉस माइनस वन प्लस साइन। ये आपका कंसेप्ट क्लियर है कि हम साइन या कॉस से किससे डिवाइड करेंगे, ये कैसे पता करेगा, नीचे क्या है कॉस है इसीलिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा साइन बाय कॉस प्लस वन बाय कॉस माइनस कॉस बाय कॉस बाय कॉस माइनस वन बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस कर दिए। अभी साइन बाय कॉस क्या टेन हो गया, वन बाय कॉस क्या सेक हो गया, कॉस बाय कॉस कैंसिल होके वन आ गया, फिर कॉस बाय कॉस कैंसिल होके वन आ गया, वन बाय कॉस सेक हो गया, साइन बाय कॉस क्या टेन हो गया। तो आपका एक्सप्रेशन फिर क्या बन गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन बाय वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये टेन प्लस सेक को हमने ब्रैकेट में ले लिया, माइनस ये जो वन है वन के जगह पर फिर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ टेन सेक है। नीचे में डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है जैसे 26 में भी किए हैं। अभी sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया, sec माइनस टेन इंटू sec प्लस टेन, नीचे में सेम है वन माइनस sec प्लस टेन। अब टेन प्लस sec कॉमन ले लिए, टेन प्लस sec कॉमन ले तो क्या हो गया वन माइनस, माइनस के बाद आप इसको लिख रहे हो ब्रैकेट हटा रहे हो तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया यानी वन माइनस sec प्लस टेन, नीचे भी क्या है वन माइनस sec प्लस टेन। ये सारा एक्सप्रेशन क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद क्या बच गया टेन प्लस sec, टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, sec क्या होता है वन बाय कॉस, यानी मेरे पास आ गया साइन बाय कॉस प्लस वन बाय कॉस। फिर हम इसका एलसीएम ले लिए तो क्या आ गया वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि आरएचएस में दिया हुआ है, इस तरह से एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। ठीक है, तो फिर हम अगले सेशन में फिर अब चार क्वेश्चन बाकी है वो बता देंगे, तो फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। थैंक यू।